हेलो एवरीवन, the द सब्जेक्ट आई एम स्टार्टिंग नाउ इज़ वेब इंटेलिजेंस एंड बिग डेटा ये हम IP university यूनिवर्सिटी के सिलेबस के हिसाब से फॉलो करेंगे एंड मोस्टली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे ही फोकस रखेंगे कवर सारे टॉपिक्स करेंगे बट बहुत एक्स्ट्रा नहीं जाएंगे जितना पूछा जाता है उतना ही पढ़ेंगे ठीक है सो सबसे पहला टॉपिक है बिग डेटा बिग डेटा है क्या बिग डेटा इज द ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा ता एक ऐसा डेटा है जो बहुत सारी वैरायटीज में है बहुत बड़े अमाउंट पे है और बहुत हाई स्पीड में जनरेट हो रहा है ठीक है और जनरेट कहाँ से हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट डेटा सोर्सेज से न्यू डेटा सोर्सेज से ठीक है सो लेट मी रीड इट बिग डेटा इज द डेटा दैट कंटेन्स ग्रेटर वराइटी अराइविंग इन इंक्रीजिंग वॉल्यूम्स एंड विद मोर विलोसिटी ये सारी टर्म्स अभी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी इन सबका मतलब क्या है बिग डेटा इज लार्जर मोर कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स स्पेशली फ्रॉम न्यू डेटा सोर्सेज यही मैंने अभी एक्सप्लेन करा यही डेफिनेशन है इसकी नेक्स्ट वी हैव इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा पहली कैरेक्टरिस्टिक कहती है कि बिग डेटा ग्रेटर देन टेन टी जो डेटा होगा उसे हम बिग डेटा कहेंगे ठीक है बिग डेटा के बहुत सारे टाइप्स हैं बहुत सारे नहीं तीन टाइप्स हैं स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में प्रॉपर फॉर्मेट में है तो स्ट्रक्चर डेटा के एग्जांपल क्या हो सकता है आरडीबीएमएस अनस्ट्रक्चर डेटा मतलब कोई प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है इसका जैसे पीडीएफ वर्ड फाइल्स स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर का ना अपने आप में एक क्वेश्चन आया हुआ है तो इसको हम अभी डिफरेंस के फॉर्म में अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं सेमी स्ट्रक्चर क्या होता है मतलब कोई एक पर्टिकुलर कैप्चर करने का इसका कोई फॉर्मेट नहीं है या कोई कन्वेंशनल वे नहीं है फॉर एग्जाम्पल एग्जामिल फाइल्स दिस इज सेमी स्ट्रक्चर एंड थर्ड हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है विच इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली बिग डेटा ऐसा डेटा है जो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है मतलब ई e की पावर एक्स के टर्म्स में इंक्रीज होता है ग्राफ आई गेस याद होगा कुछ ऐसा सा ग्राफ बनता है ठीक है तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बिग डेटा की नेक्स्ट है हमारे पास फाइव वीज ऑफ बिग डेटा तो हमारे पास है फाइव वीज फर्स्ट इज द वॉल्यूम वॉल्यूम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यही डिटरमाइन करेगा कि क्या हमारा जो डेटा हमारे पास है उसको हम बिग डेटा कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं ठीक है तो कितना अमाउंट ऑफ डेटा है हमारे पास दैट इज द वॉल्यूम ठीक है नेक्स्ट इज द वराइटी वराइटी मीन्स क्या टाइप है आपके डेटा का और क्या उसका नेचर है ठीक है इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये किस चीज़ में हेल्प करेगा कि हम कैसे इफेक्टिवली अपने डेटा को यूज कर सकते हैं और उसे एनालाइज कर सकते हैं आपको वराइटी नहीं पता डेटा की किस टाइप का जैसे स्ट्रक्चर्ड है अनस्ट्रक्चर्ड है या सेमी स्ट्रक्चर्ड है उसी के हिसाब से तो आप इनसाइट्स फाइंड करने की कोशिश करोगे तो वैरायटी इज द नेक्स्ट वे ऑफ द बिग डेटा नेक्स्ट इज द वैल्यू वैल्यू मींस क्या उसका वर्थ है जो हमने डेटा एक्सट्रैक्ट करा है एट लास्ट हमें बिग डेटा से क्या करना है हमको फाइंड आउट करना है इनसाइट्स ताकि हम उसे फ्यूचर के लिए यूज कर सके प्रिडिक्टिव एनालिसिस कर सके तो क्या उसका वर्थ है डेटा का दैट डिटरमाइंस द वैल्यू ऑफ द बिग डेटा नेक्स्ट इज दिलोसिटी विलोसिटी हमें बताता है कि डेटा कितना जनरेट हो रहा है और किस स्पीड से जनरेट हो रहा है तो कितना है है? ठीक मतलब क्या क्वालिटी आपने कैप्चर uh, करी है डेटा की दैट इज दसिटी जो जो अभी चीजें मैंने समझाई उसी को मैंने लिख भी दिया ताकि आपके पास नोट्स भी बने रहे I'm just reading it quickly. Volume means quantity of generated and stored data. Variety means type and nature of data. Velocity means speed at which data is generated and processed. Veracity means accuracy of data. And value means worth of the extracted data. I hope 5Vs are clear. Next topic is the difference between structured data and unstructured data. Is maine differentiate? मतलब टैबुलेटेड फॉर्म में आपको दे दिया है अगर इंडिविजुअल क्वेश्चन आए स्ट्रक्चर्ड डेटा बताओ तो इन्हीं पॉइंट्स को एलेबोरेट करके लिख देना पैराग्राफ फॉर्म में सेम गोज विद अनस्ट्रक्चर्ड डेटा ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है दैट्स वाई मैंने इसको अलग से कवर करा है सो फर्स्ट पॉइंट इन द स्ट्रक्चर डेटा इज प्री डिफाइंड डेटा मॉडल स्ट्रक्चर डेटा में होते हैं अनस्ट्रक्चर डेटा में कोई प्री डिफाइंड मॉडल्स नहीं होते हैं फॉर एग्जाम्पल ये पी डी एफ है वर्ड फाइल है तो इसका क्या मॉडल है बट यहाँ पे प्रॉपर जैसे रिलेशनल डेटा बेसिस होते हैं टैबुलेटेड फॉर्म में इसका एग्जाम्पल है जो आर डी बी एम एस तो टैबुलेटेड फॉर्म में स्ट्रक्चर डेटा स्टोर होता है नेक्स्ट इज डेटा टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं इसके टेक्स्ट नंबर स्ट्रिंग्स आप सबने एस क्यू एल पढ़ी है तो उसमें सारे डेटा टाइप्स कवर्ड हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा मीन्स रॉ डेटा फॉर लाइक इमेज साउंड वीडियो नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर डेटा जो है इट इज ईजी टू सर्च अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इज डिफिकल्ट टू सर्च ऑब्वियसली एक टेबलेटेड फॉर्म में आपके पास uh, सारा डेटा पड़ा है तो आप फटाफट उसे तो सर्च कर सकते हैं क्वेरीज लगा के बट अनस्ट्रक्चर डेटा में इट इज डिफिकल्ट फॉर सर्चिंग नेक्स्ट इज द स्टोरेज रिलेशनल डेटा बेसिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रक्चर डेटा एंड अनस्ट्रक्चर डेटा का स्टोरेज का एग्जाम्पल है नो एस क्यूएल डेटा बेसिस मोंगो डी बी की तरह नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर डेटा इज डिफिकल्ट टू स्केल एंड अनस्ट्रक्चर डेटा इज मोर स्केलेबल राइट right? तभी हम कहते हैं जब मोंगोडीबी कब यूज करते हैं जब हमें ज्यादा स्केलिंग करनी होती है ठीक है नेक्स्ट इज एनालिसिस कैन बी डन मतलब मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स वगैरह लगा के आप स्ट्रक्चर डेटा पे एनालिसिस कर सकते हैं फ्यूचर प्रेडिक्शंस कर सकते हैं बट अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पे इट इज अ चैलेंजिंग टास्क टू डू द एनालिसिस नेक्स्ट इज कॉमनली यूज्ड इन ओएलटीपी एंड डेटा वेयर हाउसेस ये लास्ट सेमेस्टर में आपका एक सब्जेक्ट भी था डेटा वेयर हाउसेज उसमें आपने ओल भी पढ़ा होगा स्ट्रक्चर डेटा वहां पे यूज होता है अनस्ट्रक्चर डेटा इज यूज फॉर स्टोरिंग लॉग्स इवेंट्स एंड मल्टीमीडिया फाइल्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेडिशनल डेटा वर्सेस बिग डेटा ये भी जनरली दो नंबर में आ जाता है तो ट्रेडिशनल डेटा क्या है इट इज स्मॉल इन साइज बिग डेटा वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इट इज ह्यूज इन साइज ट्रेडिशनल डेटा कितनी क्वान्टिटी में हो सकते हैं एम बी में टीबी में जी बीज में बिग डेटा पेटा बाइट ई बाइट जेड बाइट वाई बाइट तक भी जा सकता है ट्रेडिशनल डेटा इज इन द स्ट्रक्चर्ड फॉर्म एंड बिग डेटा इज अनस्ट्रक्चर्ड ट्रेडिशनल डेटा सेंट्रलाइज होता है फॉर एग्जाम्पल एक मेन सर्वर है वो बाकी सारी चीजों को हैंडल करेगा

डेटा स्टोर कैसे होता है ट्रेडिशनल डेटा में आर डी बी एम एस की फॉर्म में वेर एज अ बिग डेटा इज स्टोर्ड इन एच डी एफ एस और न्यू एस फॉर्म एच डी एफ एस इज़ हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम दिस विल स्टडी फर्दर इन द फर्दर वीडियोज़ और न्यू एस क्यू एल सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल डेटा एंड द बिग डेटा आई होप जितना इस वीडियो में कवर हुआ है यू हैव अंडरस्टूड इट सो थैंक यू